आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि एक बहुत ही पुरानी रेमेडी है, जो कि मेरी दादी फॉलो करती थी। मैं खुद उनको ये बना के दिया करती थी। किस लिए? जब कभी ऐसा होता था कि बहुत तेज गर्मी, जैसे कि अब हो रही, बहुत तेज गर्मी होती थी जिसमें पसीना पूरा निकलता था, तो हम क्या करते हैं, जैसे बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद पसीने पसीने हो जाते, बहुत प्यास लगने लगती है, हम फिर घर आते हैं लौट के और हम एकदम से बिना कुछ सोचे समझे ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसे बच्चे भी कई बार कर लेते हैं कि जल्दी से आए पसीने में और ठंडा पानी पी लिया, एकदम से उनका गला यहाँ से दुखने लगता है, गले में खराश पैदा हो जाती है, खांसी होने लगती है और सर्दी जुकाम इतना ज्यादा हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है और ऐसी भी शिकायत होती है कि बुखार हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, तो वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब मैं पढ़ती थी फ्रेंड्स, तो मेरी जो दादी थी उनको कभी भी सर्दी जुकाम हो जाता था किसी भी वजह से, तो वो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि मेरे लिए ये बना के लाओ। मतलब जो चाय वो बनवाती थी उस तरीके से मैं उनको बना के देती थी और मैं ये देखती थी कि दो दिन के अंदर अंदर कितनी भी मतलब सर्दी जुकाम ज्यादा से ज्यादा हो, गले का इन्फेक्शन हो, वो हमेशा खत्म हो जाता था। मेरी दादी की जो डेथ है वो अभी पिछले साल हुई है और कम से कम 85 साल की थी, तो वो इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी उनके जो दांत थे वो भी बिल्कुल नेचुरल थे, मतलब उन्होंने कोई आर्टिफिशियल दांत नहीं बनवाए थे। और वो अभी मतलब जो पिछली सर्दियाँ थी जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो वो गन्ना आराम से खा लेती थी, वो खीरा खा लेती थी, जैसे ये गाजर होती है, मूली होती है, कुछ भी उनको कट करके देते वो आराम से चबा चबा के खा जाती थी। मतलब मैं हैरान थी उनको देख के कि 80 साल की कोई लेडी, कोई बुजुर्ग मैंने ऐसा नहीं देखा जो चने के दाने खा सकता, वो आसानी से चने के दाने अपने पास रखती थी और उनको खाती रहती थी। अच्छा, मैंने उनकी एक रेमेडी हमेशा याद रखी और मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ जब कभी ऐसा मुझे लगता है, बच्चों को भी देती हूँ और आपको भी आज बताने वाली हूँ। मैंने उनको एक चीज देखी थी कि 85 साल की उम्र तक भी उनको कभी हद से ज्यादा खांसी नहीं हुई, मतलब आमतौर पे जैसे मौसम बदलता है हल्की फुल्की खांसी हो गई, कभी उन्हें कफ की समस्या नहीं हुई, सांस में प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर का इंसान जो होता था उसको आवाज देके वो बुला लिया करती थी, इतनी तेज आवाज थी। मतलब उनको छाती की कोई समस्या नहीं थी। छाती की समस्या जब होती है जब हमारे फेफड़ों में कफ जमा हो जाए, और उनको कभी भी कोई तेज खांसी, सीवियर खांसी कभी नहीं हुई, मतलब इतना बुजुर्ग होने के बाद भी। मैंने असल में बुजुर्गों को देखा बहुत सारे कि वो खांसते रहते, बार बार खांसते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक तो उनकी डाइट अच्छी थी, वो हमेशा क्या करती थी, छाछ लेती थी, छाछ वो उनको खाने में पसंद थी, वो सुबह के वक्त भी छाछ के साथ अपना नाश्ता करती थी और दोपहर में भी, और सीजनल फ्रूट खाया करती थी और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी सलाद के रूप में खाती थी। एक चीज मैंने और गौर करी कि वो अपना खाना हमेशा बहुत चबा के खाती थी और शाम को ही जो भी उन्हें खाना होता शाम को खा लेती थी, रात को कुछ नहीं खाती थी। चलो, ये तो हो गई डाइट की बात। अगर आप भी डाइट जानना चाहते हैं कि एक हेल्दी जीवन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं रेमेडी बता देती हूँ जल्दी से, जब कभी सर्दी जुकाम ऐसे हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, चाय हम आमतौर पे सब लोग पीते हैं और जब सर्दी जुकाम होता है तो तब तो मन करता है कि कुछ गर्म चीजें हो और जो कि यहाँ से ऐसे टच करके जाए तो हमें अच्छा फील होता है, कहीं ना कहीं दर्द कम होता है। और जब आपने देखा गले का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नाक बंद हो जाती, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो देखिए, चाय जो बुजुर्ग लोगों को पसंद होती है आमतौर पे सभी एक ना एक बार तो दिन में पीते ही हैं, तो आपने क्या करना है, जब सीवियर आपको सर्दी जुकाम हो, सर में दर्द हो रहा हो या फिर बुखार जैसा आपको फील हो रहा हो, तो अपनी चाय आप नॉर्मल चाय बनाइए, जैसे भी आप बनाते हैं अदरक वगैरह डाल के, जो भी दूध वाली चाय जैसे भी बनाते हैं, उसमें एक चुटकी आपने बिल्कुल एक चुटकी नमक डालना है, ये काला नमक है या सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं, एक चुटकी आपने नमक डालना है। अगर कोई भी नमक नहीं है, सेंधा नहीं है, काला नहीं है, नॉर्मल जो नमक है वही डाल लीजिए, और एक चुटकी ही बिल्कुल इतनी आपने काली मिर्च अपनी चाय में इस तरीके से मिलानी है। बच्चे हो तो उनको इतना दे दीजिए, अगर जैसे आप बड़े हैं थोड़ा और आप सहन कर सकते हैं, मतलब मिर्ची वाला खाना भी खा लेते हैं, तो थोड़ी सी और काली मिर्च ज्यादा ऐड कर लें ताकि अच्छे से आपको फायदा हो। इस तरीके से आपने मिला लिया। अगर घर में बुजुर्ग है, उनको बार बार खांसी होती है, कफ की समस्या, सांस लेने में परेशानी आती है, जब भी वो चाय पीते हैं इस तरीके से आप उनको बना के दीजिए। और ये आपने भी सुना होगा
कि अगर गले की समस्या है, गले में खराश रहती है, इन्फेक्शन बहुत होता है, तो नमक वाली चाय बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इस तरीके से उनको पीने के लिए दे दीजिए। और थोड़ी सी गरम गरम चाय अगर वो पिएंगे, दिन में कम से कम 2 बार आप ये बना के दे सकते हैं, और आप देखेंगे सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उस इंसान को बिल्कुल आराम आना शुरू हो जाए, गले का इन्फेक्शन चला जाएगा, खांसी चले जाएगी, कफ निकल जाएगा। मेरी दादी कोई दवा नहीं लेती थी। ये ध्यान रखना कि जरूरत से ज्यादा दवाई देने की आपको जरूरत नहीं है, आप ये होम रेमेडी अप्लाई करिए। आप जो लोग चाय नहीं पीते तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो ग्रीन टी पीते हैं या हर्बल टी पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। बिल्कुल उबलते हुए चाय में शहद नहीं मिलाना है, हल्की ठंडी हो जाए हल्की सी तो उसमें तब शहद मिलाइए, और ऐसे ही नमक और काली मिर्च उसमें डाल के उस इंसान को आप पिला दीजिए या खुद पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 2 से 3 दिन आपको लगेंगे कैसा भी इन्फेक्शन दूर करने में, चाहे वो सर्दी में हो चाहे वो गर्मी में हो। तो इस तरीके से अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो कैसा भी इन्फेक्शन हो और छाती में कफ जम गया हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 7-7 दिन तक दवाई खाते रहते हैं लेकिन उनकी छाती ठीक नहीं होती, सह सह की आवाज आती रहती है और कफ यहाँ पे जम के बैठ जाता है। तो कफ बहुत ही इजीली निकल जाएगा आपकी खांसी में अगर आप इस तरीके से चाय बना के पीते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी, आप इस्तेमाल भी करेंगे और अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं। बच्चों को बस थोड़ी क्वांटिटी में चाय देनी है और बार बार नहीं देनी है, सिर्फ 2 बार दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम को आप दे सकते हैं। खाली पेट ना दे, कभी उनको एसिडिटी वगैरह हो जाए कुछ खाने के 1 घंटे बाद ही दें। तो इस तरीके से दीजिए और जल्दी आराम पाइए, दवाई से भी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं। और इतना भी इसका स्वाद खराब नहीं, क्योंकि मैं तो यूज करती हूँ जब भी मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है। रेगुलरली इसको नहीं यूज करना है, नहीं तो आपके ऊपर इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। वाओ, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा मिर्च वाला, तो टेस्ट भी अच्छा होता है। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।